नमस्कार, मैं भाग्यश्री डोंगे वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू ने दाखिल किया नामांकन। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान भाजपा के तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। शिवसेना में बगावत के बीच सीएम उद्धव ठाकरे का बयान, कहा कि मर जाएंगे फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे कहने वाले आज भाग गए। बागी विधायक तोड़ना चाहते हैं शिवसेना। चॉकलेट खिलाने के बहाने से परिवार के पहचान वाले ने ही किया अपहरण। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर बचाई बच्ची की जान। विस्तार से राष्ट्रपति चुनाव द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम भी मुर्मू के नामांकन में पहुंचे। इस दौरान जदयू बीजद के नेता भी शामिल हुए। बीजद प्रमुख नवीन पटनायक और आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। नामांकन के दौरान ओडिशा की सत्ताधारी बीजू जनता दल के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। बीजद ने मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन किया। 2022 के लिए एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने। इतना ही नहीं, द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के लिए दौरान एनडीए की एकजुटता भी नजर आई। नामांकन दाखिल करने से पहले द्रौपदी मुर्मू ने संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर और बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन में ही बीजेपी शासित राज्यों के सीएम से मुलाकात भी की। झारखंड की पूर्व राज्यपाल और एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद भवन में नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के बड़े नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम भी मुर्मू के नामांकन में पहुंचे। इस दौरान जदयू बीजद के नेता भी शामिल हुए। बीजद प्रमुख नवीन पटनायक और आंध्र के सीएम जगमोहन रेड्डी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। नामांकन के दौरान ओडिशा की सत्ताधारी बीजू जनता दल बीजद के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। बीजद ने मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। फिलहाल शिवसेना एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। पार्टी के कई विधायक पार्टी नेतृत्व के विरोध में है, जिससे शिवसेना दोफाड़ हो रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर बाला साहेब ठाकरे का एक पुराना भाषण तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने शिवसेना स्टाइल में ऐसे विधायकों के प्रति कार्रवाई की बात कही है। बाला साहेब ठाकरे अपने तेज रवैये और सटीक भाषणों के लिए जाने जाते थे। आज शिवसेना में सब कुछ ऑल वेल नहीं है। विधायक विरोध में उतर आए हैं, सरकार गिरने की कगार पर है। ऐसे में बागी विधायकों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, इस बात को दर्शाता शिवसेना स्टाइल भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। काय सहन करता, त्याशी कोणीतरी कोणी म्हणतात की आमच्या एका खासदाराला मारलं, जोडलं, जोडणार की शिवसेनेच्या तिकडावरती निवडून यायचं आणि बदमाश तिकडे जातात, मग त्यांना काय ओवाळू? आणि आता प्रश्न विचारला की समजा उद्या तुमच्या हातामध्ये सत्ता आली आणि तुमचे आमदार तिकडे गेले, तर मात्र आज तुम्हाला सांगतो सगळ्यांना, यापुढे एक आमदार तर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा। बरं, आणि महिलांनी ते चांगलं काम बजवावं, जाम काय अगदी काळं वेळं अगदी वाटतं ते त्याच्या अगदी अंगावरती नाचलात तरी चालेल, पण ह्या भडव्यांना अशीच शिक्षा झाली पाहिजे। करणार करणार की नाही, निवडून आल्यानं धडा शिकवणार की नाही, जर आरामखोरी केली तर, समजलं ना? हे करायला पाहिजे। मी लोकशाही फालतू लोकशाही मानत नाही, ही लोकशाही नव्हे। साइकिलिंग असोसिएशन की ओर से येवला से पंढरपुर साइकिल वारी निकाली गई। साइकिल वारी द्वारा सामाजिक संदेश देने के उपलक्ष्य में इस वारी का आयोजन किया गया था।
साइकिलिंग एसोसिएशन की ओर से येवला से पंढरपुर के लिए साइकिल वारी जगदम्बा माता मंदिर कोटमगांव से शुरू हो गई है। येवला, लासलगांव, मालेगांव, नासिक के लगभग 150 साइकिल चालकों ने इस साइकिल वारी में भाग लिया है। यह साइकिल वारी येवला से पंढरपुर तक 360 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस साइकिल रैली के दौरान राइड फॉर हेल्थ एंड राइड फॉर नेशंस, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न संदेश दिए गए। लासलगांव, मालेगांव, येवला या इथनं पंढरपूरसाठी पंढरपूर वारी करत आहोत। दरवर्षी आम्ही काही ना काही सामाजिक कार्य यातनं करत असतो। यावर्षी आम्ही या पंढरपूर वारीमधनं सामाजिक आणि आरोग्य या दोन्ही गोष्टीचा समतोल कसा राहील या उद्देशाने एक सामाजिक संदेश देणार आहोत। सायकलिंग राईडमुळे जे आपल्याला आरोग्याची इम्युनिटी वाढते, प्रतिकार क्षमता चांगली राहते आणि सामाजिक एक आपले कर्तव्य असतं यासाठी निसर्गाचा समतोल राहावा यासाठी आम्ही झाडे लावा झाडे जगवा हा संदेश यातनं देणार आहोत। 2 दिवसामध्ये आम्ही पंढरपूरसाठी निघणार आहोत आणि 2 दिवसात तिथे पोहोचणार आहोत। गाव सायक्लिस्ट क्लबमधनं आम्ही टोटल 20 मेंबर आहोत। येवल्यामधनं 15 मेंबर आहेत आणि मालेगावमधनं पण 5 ते 6 मेंबर आम्हाला जॉईन झालेले आहेत। आम्ही हा आमचा टोटल जवळपास 35 लोकांचा ग्रुप नासिक सायक्लिस्टचे रॉयल रायडर्स यांना जॉईन होऊन त्यांच्यासोबत जवळपास 150 लोक आम्ही पंढरपूरसाठी जाणार आहोत। तर 2 मुक्काम आमचे होणार आहेत, एक नगर आणि टेंभुर्णी, असा हा 2 दिवसाचा प्रवास आमचा असणार आहे। आम्ही मालेगावहून पंढरपूर सायकलवारीसाठी काल रात्री येवला येथे मुक्कामी आलेलो आहोत। आता आमचा हा प्रवास येवल्याहून सुरू करून आम्ही 3 दिवसात पंढरपूरला पोहोचण्याचं आमचं नियोजन आहे। ही सायकलवारी रॉयल रायडर्स ग्रुपच्या माध्यमातून दरवर्षी आयोजित केली जाते। तर हे टोटल आमचा जो प्रवास आहे हा 360 किलोमीटरचा प्रवास असून या प्रवासादरम्यान आम्ही झाडे लावा झाडे जगवा आणि सायकल चालवण्याचं काय महत्त्व आहे, आपल्या आरोग्यासाठी सायकल चालवणं किती महत्त्वाचं आहे हा संदेश घेऊन आम्ही खास ही सायकलवारी आयोजित केलेली आहे। या सायकलवारीसाठी आम्हाला जे सहकार्य लाभलं ते आमच्या रॉयल रायडर्स ग्रुपचं, त्याबद्दल आबा पाटलांचं आणि त्यांच्या सर्व टीमचं, सर्व पदाधिकाऱ्यांचं, आम्ही मालेगाव सायकल असोसिएशनच्या वतीने त्यांचं सर्व। शिवसेना में बगावत के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मर जाएंगे फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे कहने वाले आज भाग गए। उन्होंने कहा कि बागी विधायक शिवसेना तोड़ना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने पार्टी जिला प्रमुख की बैठक में कहा कि मैंने अपने पास के 2 विभाग एकनाथ शिंदे को दिए। शिवसेना से बगावत करने वाले शिंदे पार्टी के 37 विधायकों और 9 निर्दलीय विधायकों के साथ फिलहाल गुवाहाटी के एक होटल में है। उन्होंने पार्टी पर दावा ठोका है। गुरुवार को एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनकी अगुवाई वाला समूह वास्तविक शिवसेना है। उन्होंने कहा कि अयोग्य करार दिए जाने की धमकियों से उन्हें और उनके समर्थकों को डराया नहीं जा सकता है। दरअसल कल ही शिवसेना ने विधायक दल की बैठक में भाग नहीं लेने पर शिंदे खेमे के 12 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की है। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
के बाद आपका स्वागत। यवतमाल शहर में और नेर जिले के कई हिस्सों में हजारों ब्रास की रेती जमा हो रही है, जबकि आरटीआई कार्यकर्ता चंदन हटगड़े ने यहां तहसील कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यवतमाल और नेर के तहसीलदार रेत के स्टॉक का सबूत देने के बावजूद रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई से बच रहे हैं। इन अनशन में रेत माफिया समेत तहसीलदारों की संपत्ति की जाँच की मांग की गई है। चंदन हटगड़े ने 30 मई को टावर पर चढ़कर आंदोलन किया था। इस समय तहसीलदार कुणाल जलते इन्होंने 15 दिन में यवतमाल शहर में अवैध रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। जुर्माना भरने के आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तहसीलदार जलते ने एसीबी के माध्यम से उन पर रेत माफियों के साथ वित्तीय हित रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने संपत्ति की जांच की मांग की है। नेर शहर के शिवाजी नगर में रेत स्टॉक की जानकारी नेर के तहसीलदार को दी गई थी, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं लगी। स्वर्गीय वसंतराव नाइक स्कूल परिसर में हजारों पीतल के अवैध रेत भंडार के फोटो वीडियो भेजकर तहसीलदार के पास शिकायत दर्ज कराई थी। मांग की जा रही है कि पूरे मामले की जांच कर संपत्ति की जांच कराई जाए। साथ ही यवतमाल सिटी थाने में दर्ज केस रेत माफिया सलीम जावीर अंसारी मुख्य आरोपी है और एक साल से फरार है। चंदन हटगड़े ने आरोपियों को गिरफ्तार करने और अपराध में प्रयुक्त हथियार को जब्त करने की भी मांग अनशन में की है। तीस मेला मी टावर आंदोलन सुद्धा केलं। त्या टावर आंदोलनावर आल्यानंतर त्यांची भेट घेतली। त्यांनी मला लेखी स्वरूपात आश्वासन दिलं, परंतु ते लेखी आश्वासन सुद्धा त्यांनी विविध प्रकारचे ना वाळूचे साठे जप्त केले, ना ओव्हरलोडवर काही कारवाई केली, ना कुठल्या उत्खनन करणाऱ्या वाळू माफियावर कारवाई केली। या वाळू माफियावर कारवाई न करण्यामागचं कारण काय नेमकं तहसीलदार साहेबांनी यांनी सांगावं। यवतमाळमध्ये बलाढ्य असे झालेले हे वाळू माफिया रेती अवाच्या भाव सव्वा भाव विकून चोरी करून माल विकतात अशा उडवलेल्या वाळू माफियांवरती जिल्हा प्रशासनाने कुठल्या प्रकारचा वचक राहिलेला नाही आहे। त्याचं कारण असं की मागच्या वर्षी माझ्यावरती जीव घेणं हल्ला या वाळू माफियांद्वारे करण्यात आला व माझे अपहरण करून मला लग्न अवस्थेत करून माझा व्हिडिओ व्हायरल करून सर्व प्रसार माध्यमात माझी नाहक बदनामी केली। त्या संदर्भातील मुख्य असा महत्त्वाचा आरोपी मोहम्मद जाबीर सलीम जावीर अन्सारी हा अद्यापही फरार आहे व अटक त्याला करण्यात आली नसल्याकारणाने मी या उपोषणा मंडपात आज त्याला अटक करावी या कारणासाठी बसलेलो आहे। काय नाव आपलं? माझं नाव चंदन सुद्धा भाताकडे। एकनाथ शिंदे को लेकर कई सवाल अब खड़े हो गए हैं। एकनाथ शिंदे होटल रेडिसन ब्लू से बाहर निकल चुके, वे गुवाहाटी हवाई अड्डे पर जाने की चर्चा चारों ओर फैल गई है, लेकिन अब तक पता नहीं चल पाया है कि वे होटल से कहां गए हैं, जबकि शिंदे मुंबई के लिए निकल चुके हैं ऐसी चर्चा की जा रही है। क्या शिंदे हवाई अड्डे पर गए हैं? क्या वो मुंबई जाएंगे? क्या वे दिल्ली जाएंगे? ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं। शहर में अपहरण की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। नागपुर के MIDC पुलिस थाना अंतर्गत एक ऐसी ही घटना सामने आई। फिरियादी के ही किसी पहचान वाले ने पैसों के लालच में चलते फिरियादी की बेटी को अगवा करते हुए 7 लाख रुपयों की मांग की। फिरियादी को घटना का पता चलते ही रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने तुरंत एक्शन में आते हुए आरोपी के लोकेशन को ट्रेस कर उसे ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। नागपुर के MIDC पुलिस थाना अंतर्गत फिरियादी की बेटी को आकाश सोनो ने नामक आरोपी उसके घर जाकर माता पिता को बेटी के लिए चॉकलेट लेके आने का बहाना बनाकर बाहर ले गया, लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद भी जब वह दोनों घर नहीं लौटे तब फिरियादी ने पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज की। पुलिस की टीम ने पुलिस निरीक्षक उषा गायकवाड़ के निर्देशन के अनुसार जाँच आरम्भ की। आरोपी ने फिरियादी को फोन करके धमकाते हुए 7 लाख रुपयों की मांग की थी। पुलिस की DB टीम ने आरोपी के एरिया का लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की, जिस एरिया में आरोपी घूम रहा था पुलिस ने उस पर नज़र रखना शुरू किया। पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को फोन पर व्यस्त रखते हुए दबोच लिया, गिरफ्तार किया और लड़की की जान बचाई। पुलिस की जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पैसों के लालच में आकर यह कदम उठाया। आरोपी पुलिस हिरासत में है और आगे की जाँच चल रही है। फिरियादी होता त्याची 4 वर्षाची मुलगी, त्यातील आरोपी अशोक सोनवणे हा त्या मुलीला आकाश सोनवणे हा त्या मुलीला घरी जाऊन घेऊन गेला। त्यामध्ये मुलीला त्याने आईवडिलांना चॉकलेट घेऊन येतो म्हणून सांगून तिला घेऊन गेलेला होता। त्या ठिकाणाहून मुलगी घेऊन गेल्यानंतर फिरियादीला जेव्हा कळालं की त्याची मुलगी तो घेऊन गेल्यानंतर परत वापस करून घेत आणून घालत नाही, त्या पोलीस स्टेशनला आल्यावर पोलीस स्टेशनची आमची टीम पोलीस निरीक्षक कोळी, SDPO मॅडम पूजा गायकवाड यांनी त्यामध्ये तातडीनं त्या मुलीचा शोध सुरू केला। तेव्हा
त्याने फिर्यादीला जो कॉल केला होता की जर तुम्हाला मुलगी जिवंत पाहिजे असेल तर 7 लाख रुपये घेऊन या. तातडीने आमच्या अधिकाऱ्यांनी डी बी टीम त्या एरियाचे लोकेशन काढण्यासाठी प्रयत्न केले. आमच्या तांत्रिक टीमने लोकेशन घेतलं आणि त्या एरियामध्ये जे तो आरोपी ज्या ठिकाणी फिरत होता त्या एरियाला आजूबाजूला आमच्या लोकांनी त्याच्यावरती वास ठेवला. फिर्यादीला व्यवस्थित ब्रीफ करून त्या आरोपीसोबत कंटिन्युअस आमची लोकं त्यासोबत बोलत होती आणि त्याला एंगेज ठेवून आम्ही तातडीनं त्या आरोपीला ताब्यात घेतलं. यामध्ये आमचे कर्मचारी इक्बाल डीबीचे कर्मचारी इक्बाल शेख राठोड टेकाटी पांडे आणि संपूर्ण टीमनेच चांगलं काम केलं. या टीमने एकत्रित प्रयत्न करून मुलीचा जीव वाचवला. त्याचबरोबर आरोपीलाही तातडीने त्या ठिकाणी अटक केली आणि यांच्या चांगल्या कामगिरीचं आम्ही आज या ठिकाणी त्यांचा सत्कार केला. आरोपी जवळ काही वेपन्स मिळाले का? आणि जेव्हा मौक्यावर किती आरोपी होते? मौक्यावर एकच आरोपी होता आणि वेपन वगैरे त्याच्याकडे काही मिळाले. अद्याप कारण आम्ही शोधतो आहोत. त्यामध्ये एकत्रित असं दिसतंय की पैशाच्या मोहापायी किंवा त्याच्यावर काही अडचणी असतील, त्याला आर्थिक अडचणी, त्यामुळे कदाचित त्याने अशी घटना केलेली असेल. त्याच्यावरती कोणताही गुन्हा नाही. कोणी मास्टर माइंड कोणी होता का? नाही, अजून काही कोणते प्रकार पुढे आले. आरोपी किती वर्षाचे होते आणि कुठले? आरोपी जो मेन आरोपी हा 20 वर्षाचा आहे आणि दुसरा आरोपी हा 18 कम्प्लीट केलेला आहे, म्हणजे 19 वर्ष. आरोपी यापूर्वी त्या ठिकाणी ज्या फॅक्टरीमध्ये फिर्यादीच काम करत होता सुरक्षा कर्मचारी म्हणून, त्याच फॅक्टरीमध्ये तो लेबर काम करत होता. परंतु त्याचं काम सुटलं आणि नंतर त्याने या फिर्यादीसोबत त्याची ओळख झालेली होती. आरोपी सध्या कोणतेही काम करत नाही. मंडेव घाट में पशुखाद्य ले जा रहा एक ट्रक पलटी होने की घटना सामने आई है. इस घटना में कोई भी जीवित हानि नहीं हुई. चालक को मामूली चोट आने से उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार मंदेव घाट के पास यवतमाल में नागपुर तुलजापुर हाईवे पर पशुखाद्य से भरा ट्रक चालक की गलती से पलट गया. किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, जबकि चालक को मामूली चोटें आने से चालक के साथ आए सहायक को प्राथमिक उपचार के लिए वसंतराव नाईक कॉलेज सरकारी अस्पताल में ले जाया गया है. घटना आज सुबह 11:45 पर हुई. घटना की सूचना ग्रामीण थाना यवतमाल में दी गई. तदनुसार ग्रामीण पुलिस थाने से 3 व्यक्तियों के काफिले को मौके पर ले जाया गया और पंचनामा चलाया गया. एनपीसी संदीप मेहता, एनपीसी संजय राठौर, डीसीपी रूपेश नेवारे, ग्रामीण पुलिस स्टेशन यवतमाल को मौके पर भेजा गया है और पंचनामा जारी किया गया है. आगे की जांच यवतमाल ग्रामीण पुलिस कर रही है. वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजीत महिंद्रे की रिपोर्ट. औरंगाबाद शहर के घाटी अस्पताल क्षेत्र में प्रशासनिक भवन के सामने महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघ के मार्गदर्शन में चिकित्सा ठेका कर्मचारी 25 दिन से भूख हड़ताल पर है, लेकिन प्रशासन ने इस हड़ताल पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है. ३१ मई 2022 से चल रहे भूख हड़ताल को आज 25 दिन पूरे हुए हैं, पर प्रशासन ने उनकी मांगों पर अब तक ध्यान नहीं दिया है. इस बात की जानकारी देश की उन महिला मजदूरों ने दी है जो आज भूख हड़ताल पर है. कोरोना के प्रकोप के बाद से ये कर्मचारी घाटी अस्पताल में एक मेडिकल क्लीनर के रूप में काम कर रही है और उनमें से 20 को काम पर रखा गया था. इनमें से 10 को काम पर रखा गया है, लेकिन बाकी 10 को ठेकेदार ने काम पर नहीं लिया है. सफाई कर्मचारियों को काम पर रखने की मांगों को लेकर पिछले 25 दिनों से भूख हड़ताल चल रही है. प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आज मीडिया के सामने प्रशासन से इस पर ध्यान देने की मांग के साथ ही काम पर फिर से लिया जाए इस वजह से नारेबाजी भी की है. औरंगाबाद घाटी कामगार आहोत आम्ही. महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटना आयटकचे आणि निवृत्तचे उपोषणाखाली आज 25 दिवस झाले. आज आम्ही उपोषणात बसलेलो आहोत. आज आम्हाला 25 दिवस झाले तरी आमच्याकडे कोणी आलं नाही आणि आम्हाला कोणी असं म्हणजे पत्र वगैरे काही दिलं नाही किंवा आम्हाला कामाचं काही आश्वासन दाखवलं नाही की बाबा तुम्हाला आम्ही कामावर घेतो. आम्हाला उलट भूपेश सावंत हा उलटा आम्हाला धमक्या देऊन जातो का तुमच्या 20 लोकांना नाही पण तुमच्या 10 लोकांना आम्ही धप्पा देऊ म्हणून. आणि दिलाच त्याने आम्हाला धप्पा. आम्हाला त्याने चॅलेंज केली होती. उषाबाई साबळेला तो बोलला पण होता
का तुमच्या 10 लोकांना आम्ही धप्पा देऊ म्हणून, आणि त्या माणसानं आम्हाला धप्पाच दिला आणि आम्हाला कामावतीनं काढून टाकलं. आणि आमचं एवढीच मागणी आहे का आम्हाला सिनियरिटी परमानंट येणं कामाला घ्यावं परत. आम्ही आत्ताचे कामकार नाही आहेत, आम्हाला 5-5, 6-6 वर्ष झाले. आम्ही करोना यायच्या अगोदरचे आम्ही कर्मचारी आहोत इतरचे, आणि करोना काळात पण आम्ही कामं केले. दुसरे सर्वंट पळूपळू जात होते, पण आम्ही कामं सोडून पळून गेलो नाही. आम्ही डायपर चेंज केले, पेशंट शिफ्ट केले, डेडबॉड्या नेऊन टाकल्या. आम्ही जेणे ते आम्ही कोविडच्या काळात आम्ही सगळे कामं केले. आम्हाला सर्टिफिकेट सुद्धा मिळाले. सर्टिफिकेट काही बाजारात मिळत नाही, आम्हाला कलेक्टरकडूनच भेटले. ते आमच्या एवढ्याच मागण्या आहेत का आमच्या 10 लोकांना देणं कामावून काढलं, आम्हाला परत देणं कामावर बोलवून घ्यावा, आणि आमची सिनियरिटी परमानंट देणं आम्हाला परत कामावर यावं. आज आम्हाला 25 दिवस झाले, आज आम्ही घरदार सोडून इथं आज आम्ही बसले, आमचे लेकर बाळ सोडून येणं आमच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे प्रशासन. आमचं हेच म्हणणं आहे की प्रशासनानं आमच्याकडे लक्ष द्यावं, आणि आमच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्या आमच्या पूर्ण कराव्या. आणि आमचा जो पगार कमी टाकत आलाय तो भूपेश सावंत आणि आकाश राऊत येणं आमच्या पगारी, आमचा जो काही पगार त्यांनी दाबून ठेवलेला आहे तो पगार आम्हाला सुरळीत करून द्यावा. आमचा जो PF नंबर आहे तो सुद्धा आमचे PF नंबर त्यांनी द्यावा. आमची हीच मागणी आहे का आम्हाला सिनियर डिपार्टमेंट त्यांनी परत कामाला बोलावं. हे कॉन्ट्रॅक्टदाराचे काय सुपरवायझर आहे, सुपरवायझर नाही ते कंपनीचे माणसं आहे. कामाला लागलेलं आहे कॉन्ट्रॅक्टदाराकडून. आम्ही 20 जण लोक घेतले होते, त्याच्यातल्या काही 10 जणांना त्यांनी परत कामाला घेतलं, आणि आम्ही 10 जणांना अचानक काढून टाकलं. काही कागदपत्र नाही, काही काही सूचना नाही, काही कारण नसताना, आमची काही कंप्लेंट बी नसताना, आणि आम्हाला न सांगता कामावून काढून टाकण्यात आलेलं आहे. आणि आमची मागणी आहे की आम्हाला कामावर तुरंत वापस घ्यावा. 24 दिवस झाले आज आम्ही इथं कामाला बसलेलो आहे. 24 दिवसापासून अशी कोणती अशी पॉझिटिव्ह अशी बातमी आली नाही आम्हाला की तुम्हाला नक्की कामावर घेऊ. फक्त विचारच चालू आहे. फक्त 10 लोकांसाठी आणलं, जर महिनाभर कॉन्ट्रॅक्टदाराकडून घ्यायला विचार लागत असेल तर आम्ही गरिबांना काय करायला पाहिजे? अजून किती दिवस बसा? पुढच्या महिन्यात आम्ही काय खावा त्याचा विचार आहे. परत बारीकचे दिवस आहे. आमचे नवरे माती कामं करतात, लोक माती कामाला आहे, कोणाचे नवरे नाहीये. आम्ही करावं काय पुढच्या महिन्यात याचा प्रश्न आहे आम्हाला. आम्ही 10 जण आहे, आज असं काही पब्लिक नाही आहे, काही नाही. आमचा थोडा विचार आहे, शासनानं लवकर करावा एवढी आमची विनंती आहे. VKB न्यूज की दोपहर की खबरों में अब बस इतना ही. फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए VKB न्यूज. नमस्कार.